अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बंसल जी, कुछ बड़ा सोचना होगा। यशोदा को उसकी बच्चियों और कृष्णा समेत तो घर से बाहर निकाल के देख चुके हैं, आउट तो आउट, मास्टरनी के बच्चे को भी मार करके देख चुके। पर क्या हुआ, हमारे हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए ना। लेकिन एक चीज हुई है, बाबूजी की जायदाद ने चलना शुरू कर दिया है। वो चलते चलते अरविंद के पास पहुंच गई है। अब हमें ये सोचना है कि वो जायदाद अरविंद के पास से चलकर हमारे पास तक कैसे पहुंचेगी। अरविंद के हाथ से छीन कर अब हमें अरविंद से सब कुछ छीनना पड़ेगा। क्या छीनेंगे जीजी? कुछ नहीं भैया, वो हम दोनों जने तो बस यही बात कर रहे थे कि कितना दुखी हो तू। भगवान जी ने ना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बताओ सब कुछ तुम्हारा छीन लिया। बड़ा भाई, बीबी, माँ बाप का प्यार और तुम्हारा बच्चा जो बेचारा पैदा। मुन्ना, तो ये क्यों 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 बोल रही है? मुन्ना है ना हमारा, वो अरविंद ये क्यों बोल रही है? जीजी, मुन्ना तो है ना, आप क्या कह रही हैं? आप भी मुन्ना है ना? ऐसा क्यों बोले? क्यों बोली है ऐसा? मुन्ना, मुन्ना, मावा, मुन्ना बाहर से है ना, थक गया होगा, इसे सुला दो, जाओ, जाओ, जाओ मास्टर नहीं, जाओ, जाओ। आ बिना जीजी। अरे भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा जिया जी कि महुआ की दिमागी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है, आगे होगा भी या नहीं कह नहीं सकते। हम तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से हमारी महुआ को ठीक कर दे। एक बात बताएं भैया तुम्हें, ये बात जब यशोदा को पता चलेगी ना, देखना वो दिल से बहुत ज्यादा खुश होगी। अरे कामिनी, यशोदा की तो सोच ही घटिया है, अब इसमें भला हम लोग क्या कर सकते हैं? करेंगे जाकी, करेंगे, यशोदा भाभी का भी हिसाब करेंगे और उनके उस कृष्णा का भी हिसाब करेंगे। अरे वो देखो कृष्णा, क्या नहीं है इसे, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। फिर से आ गया तू, हाँ? अब क्या करने आया है? और बड़े मालिक सामान ला रहे थे और झोले भारी से तुम्हें पहुंचाने आया हूँ। पहुंचाने आए? लेकिन हमने कहा था कि हमारी मदद करो, हैं? जा यहां से। एक तू और एक तेरी वो यशोदा मैडम, मैं दोनों के पैर क्या फड़फड़ाते रहते हैं इस घर में आने के लिए? हाँ, मना किया था ना तुझे, इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। आंखें क्या दिखा रहा है? हाँ, पिछली बार की मार भूल गया क्या? कोई बात नहीं, इस बार तुझे पीट पीट कर इस मोहल्ले से बाहर फेंक के आऊंगा। चल अरविंद, चल अरविंद, सुनो, छोड़ो इसे। अरे क्यों छोड़ दे इसे बाबूजी? अरे नौकर है, नौकरों वाला ही काम करेगा ना। इसने चाहे जो सोचकर हमारी मदद की हो, लेकिन हम इसके काम का
मेहनताना इसे दे देंगे तो इसका कोई एहसान भी नहीं रहेगा हमारे ऊपर। यहीं रुको। ये लो चॉकलेट, जाओ यहां से। हमने कहा जाओ यहां से। चलो अरविंद। बाबूजी, आपने ये कतई अच्छा नहीं किया। आपको पता है ना कि कुत्ते के आगे रोटी और अगर बच्चे के आगे चॉकलेट डालो ना तो फिर वो इर्द गिर्द मडराने लग जाता है। कामिनी, तुम्हारा बाप बाहर से सामान ढोकर लाया है, उसे उठाकर अंदर रख दो। यहां खड़े होकर हमें सही गलत का ज्ञान मत दो। I hate you, मम्मी। I really hate you. आपकी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई है। मैं आपके साथ रहकर आप ही रहती हूँ, लेकिन आपको तो बस उस कृष्णा के साथ ही रहना, इसलिए मैं यहीं सैड रहूंगी। I hate you. आस्था बेटा, अपनी मम्मी के लिए ऐसे शब्द अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम अपनी मम्मी को छोड़कर आई हो। यशोदा, हमने उसे यह सोचकर धक्का नहीं दिया था कि उसका पैर टूट जाए, बल्कि उसे रोकने के लिए धक्का मारा था। पर अफसोस की उसकी हड्डी टूट गई। मैं जानती हूं कि वो जो आइसक्रीम वाली बात उसने कही थी वो झूठ थी और वो सब गलत था, लेकिन गायत्री हमारे लिए उन लोगों में से है जिसने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है हमारा। वो नहीं भूल सकता है ना। कुछ नहीं भूले हैं हम, सब कुछ याद है यशोदा। तो पर गायत्री अब पहले वाली गायत्री नहीं रही, बदल गई है। पता नहीं क्यों पर वो हमारे दुश्मन से जा मिली है। क्या मतलब है आपका? यशोदा, गायत्री रणधीर से मिली हुई है और दोनों मिलकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। कब देखा था मुझे और रणधीर जी को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए? बताती क्यों नहीं कि मैं भी तुमसे यही पूछने आया था जो ये पूछने आई है। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, विश्वास हमें भी नहीं होता यशोदा अगर हम रणधीर को गायत्री से फोन पर बात करते हुए नहीं सुनते। गायत्री, ये क्या आग लग रही है तुम्हारे पति को? मेरे ऑफिस के बाहर आ रहा है यशोदा की मदद करने के लिए, रोको उसे वरना तुम्हारे प्लान में आग लगा दूंगा मैं। और उनकी बात सुनकर ही हमें गायत्री पर गुस्सा आया और हमने उसे धक्का दे दिया। इस बात का अफसोस है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। ऐसे और भी कई अफसोस होते रहेंगे आपको। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।